स्मार्टफोन के मामले में सैमसंग के बारे में मैंने क्या कहा था याद है? आप कभी भी कोई भी मोबाइल खरीदें सैमसंग का, आपको ये ज़रूर लगेगा कि काश कुछ समय और रुक जाते तो नया मॉडल बेहतर आ जाता। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आप हैं द वर्सटाइल डॉक्टर के साथ और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M30 का बड़ा भाई, सैमसंग गैलेक्सी M30S। अब ये सैमसंग गैलेक्सी M30 रिलीज होने के 6 महीने के अंदर ही इसका S वेरिएंट सिर्फ 2-3 चीज़ों को अपग्रेड करके निकालने की क्या ज़रूरत थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे ज़रूर मालूम है कि जिन लोगों ने भी सैमसंग गैलेक्सी M30 लिया है उनको ज़रूर पछतावा हो रहा है कि काश कुछ समय तक रुक जाते तो इस फेस्टिव सीजन में सैमसंग गैलेक्सी M30 से भी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस वाले सैमसंग गैलेक्सी M30S खरीद सकते थे। इसके बारे में और बात करेंगे, सबसे पहले इस पैकेट को खोलते हैं। Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल खत्म हो चुका है, लेकिन सेल से पहले ही ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में आ चुका था। ये है सैमसंग गैलेक्सी M30S। इसमें 6000 mAh की बैटरी है जो इसका सबसे बड़ा USP है। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी M30 की Exynos 7904 चिपसेट को अपग्रेड करके सैमसंग गैलेक्सी M30S में Exynos 9611 दिया गया है, और ख़ास करके जो M30 का ट्रिपल कैमरा सेटअप था उसको बहुत ही बड़ा बूस्ट अप दिया गया है। इनके अलावा बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। इसकी सुपर एमोलेड स्क्रीन 6.4 इंचेस की, फ्रंट फेसिंग कैमरा एक यू शेप्ड नॉच में, 18,500 rupees की MRP है इस फोन की, और ये Amazon पर लिस्टेड है 16,999 का। Samsung Galaxy M30 की चीज़ों को वापस दोहराने की बजाय सीधे सीधे इस बॉक्स को खोलते हैं। पैकेट खोलते ही सीधे ये फ़ोन सामने, फ़ोन को उठाते हैं। कुछ खास इंक्लूजन्स नहीं है, फास्ट चार्जिंग के लिए एक चार्जिंग अडैप्टर और एक USB टाइप सी केबल है, और ये सैमसंग गैलेक्सी M30S ओपल ब्लैक कलर में। कुछ चीज मिसिंग लग रही है, इसका पेपर वर्क कहाँ है? इसके नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये रहा इसका सेक्शन जिसमें पेपर वर्क वगैरह है। इसको खोलते हैं सबसे पहले एक बार फिर से। मिनिमलिस्टिक सिम इजेक्टर टूल, एक क्विक स्टार्ट गाइड, रीजनल लॉक गाइड और एक वारंटी कार्ड। इसमें वारंटी वैलिड ओनली इन इंडिया एज यूजुअल। आज का हमारा मेन अट्रैक्शन ये फोन। प्लास्टिक कवर को हटाते हैं। सैमसंग की स्क्रीन्स, सुपर एमोलेड स्क्रीन्स बेमिसाल और लाजवाब होती है, लेकिन एक स्क्रीन प्रोटेक्टर तो चाहिए। इसके इन हैंड फील्ड की बात करते हैं। 6.4 इंच का स्क्रीन, यू शेप्ड नॉच फ्रंट कैमरा के लिए, फ्रंट कैमरा के ऊपर ये छोटा सा स्पीकर ग्रिल, बॉटम चिन बहुत ही बड़ा है, बैक साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर जो मेरे हाथ की पकड़ के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर है, मुझे कॉन्शियसली कोशिश करनी पड़ती है इस फिंगर को फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर तक लाने के लिए। ये ओपल ब्लैक कलर वर्टिकल ग्रेडियंट है, एक साइड ब्लैक एक साइड ब्लू, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कलर स्कीम मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। खैर, सैमसंग गैलेक्सी M30 की अनबॉक्सिंग के समय जो शॉक लगा था वो इस बार ना हो जाए, तो इसीलिए सबसे पहले फ़ोन को ऑन करते हैं। ऑन हो गया एज यूजुअल एक बार में ही। ये एक नया फीचर है, ब्रिंग योर ओल्ड डेटा फॉर क्विकर सेटअप। मतलब अगर किसी पुराने फोन से इस नए फोन में ट्रांसफर करना हो, डेटा ट्रांसफर करना हो, पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुराने मैसेजेस वगैरह वगैरह, वो इसमें ट्रांसफर करने का ऑप्शन है। स्किप करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं। जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी M30 आउट ऑफ द बॉक्स ओरियो के साथ आया था और उसके बाद फिर एंड्रॉयड पाई इसमें अपडेट आया था, ये एंड्रॉयड पाई के साथ आया है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला ये ट्रैवल अडैप्टर 15 वॉट्स की पावर सप्लाई देता है, और ये इसको चार्ज के लिए चार्जिंग केबल। लेकिन M30 की टेस्टिंग में मैंने देखा था कि
उसके 5000 mAh की बैटरी को 15 वॉट्स के चार्जर से पूरी तरह से 0 to 100% चार्ज करने में 2 से 3 घंटे लग गए थे। अब 6000 mAh की बैटरी को इस सेम पावर सप्लाई से चार्ज करने में तो और ज्यादा समय लगेगा। अगर चार्ज करने में 3 घंटे या 4 घंटे लग जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से सैमसंग ने जब ये इतना बड़ा स्टेप लिया है कि 6000 mAh की बैटरी अपने मोबाइल में दी है, तो उसके साथ साथ फास्ट की जगह फास्टर चार्जिंग की जरूरत थी इसमें। इन एनी केस, फोन का सेटअप चल रहा है, फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन ये दो चीजें ही फोन अनलॉक के लिए, फोन की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि ये वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन फेस रिकॉग्निशन, फेस अनलॉक फीचर जो इसके प्रेडिसेसर M30 में थी, उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। देखते हैं इसमें इन्होंने कुछ अपडेट किया है कि नहीं। तो ये फोन का इनिशियल सेटअप ओवर। स्क्रीन इज गॉर्जियस, नो डाउट। इसकी ब्राइटनेस भी डिसेंट है। कंपैरिजन के लिए OnePlus 7T और ये गैलेक्सी M30s को साइड बाय साइड रखा है इसके टॉप ब्राइटनेस में। आप खुद ही देख के बताइए कौन से एमोलेड स्क्रीन की ब्राइटनेस ज्यादा है और किस स्क्रीन में कलर्स ज्यादा विविड है। इस फोन का वेट 188 ग्राम्स है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक बैक होने की वजह से उतना ज्यादा हैवी भी नहीं लगता है और स्लिपरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिपल कैमरा सेटअप में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, क्या ये सही में M30 के 12 मेगापिक्सल मेन कैमरा से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, या 48 मेगापिक्सल सिर्फ एक नंबर है? हमने पहले भी कई ऐसे फोन्स देखे हैं जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भी उतने अच्छे फोटोज नहीं लेता है जितना कि किसी दूसरे बढ़िया फोन में 12 मेगापिक्सल के कैमरा लेते हैं। कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद इतना तो पक्का है कि ये सही में एक मॉन्स्टर है इसकी बैटरी लाइफ, लेकिन उतना ही डिसअपॉइंटिंग इसका चार्जिंग स्पीड है। जब फोन सिर्फ ऑन करके इसके फास्ट चार्जिंग में लगाया हुआ था तो 40 मिनट में सिर्फ 1% to 25% तक बैटरी चार्ज हुई। तो अगर आप इसके 6000 mAh की बैटरी का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो ये जरूर इंश्योर कीजिएगा कि जब आप इसको चार्ज करें तो आपके पास बहुत ज्यादा समय होना चाहिए, और अगर चार्जिंग के दौरान भी फोन इस्तेमाल कर रहे हो तब तो और ज्यादा समय लगेगा। तो किसी भी हालत में इसे ओवरनाइट चार्जिंग के लिए छोड़ने की सलाह न मैं कभी दूंगा और न खुद मैं कभी ऐसा करूंगा। तो ये थी इसकी बैटरी की बात। अब आते हैं बाकी सारे फीचर्स पे। फोन के राइट एंड में वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन मिलते हैं। बॉटम में एक 3.5 mm ऑडियो जैक, एक USB-C टाइप पोर्ट और माइक्रोफोन है, और उसके बगल में बॉटम फायरिंग स्पीकर है। टॉप में सिर्फ माइक्रोफोन का ये नॉइस कैंसिलेशन वाला पोर्ट है, और लेफ्ट साइड में सिर्फ सिम ट्रे जिसमें 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगाए जा सकते हैं। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल फास्ट और इंस्टेंटेनियस काम करता है, और फेस अनलॉक फीचर भी काफी इंप्रूव किया गया है और काफी फास्ट हो गया है। गॉर्जियस एमोलेड स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीन प्रोटेक्टर तो लगाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं साउंड की, तो एक बॉटम फायरिंग स्पीकर हमें यहाँ मिलता है जिसकी आवाज क्वाइट डिसेंट है। इसका जो 15 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग है वो एक्चुअली बैटरी को चार्ज करने में बहुत ज्यादा समय लेता है। गेम खेलते हैं तो फुल डे यूजेज भी आपको शायद कम मिले। डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इसका जो 15 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग है वो एक्चुअली बैटरी को चार्ज कर। एज यूजुअल एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर की ऑडियो आउटपुट डिसेंट है, बहुत अमेजिंग भी नहीं है और खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। सामने में ये 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और पीछे में फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ ये ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें एक मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का वाइड लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और उसके अलावा एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जो लाइव फोकस यानी बैकग्राउंड ब्लर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट इस कैमरे में उतना बढ़िया नहीं है, ऐसा लगता है कि ये 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर से जो इनपुट आती है उसके ऊपर सॉफ्टवेयर सुपर इम्पोज करने के बाद जो डेप्थ ब्लरिंग का इफेक्ट आता है उसमें और बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट की जरूरत है। इस ट्रिपल कैमरा सेटअप के कैमरा मॉड्यूल में इतने सारे बेल्स एंड विसल्स हैं, इतने सारे सेटिंग्स हैं कि उसको पूरी तरह से चेक करने का मुझे मौका मिला नहीं है अभी तक। जैसे कि ये फूड मोड, इससे प्रॉबेबली
फूड फोटोग्राफी अच्छे से की जा सकती है, नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। नाइट मोड ओके ओके है, पैनोरामा एज यूजुअल। प्रो मोड में वाइट बैलेंस, आईएसओ वगैरह वगैरह सारे कंट्रोल्स हम अपने हाथ में रख सकते हैं। फोटो में दो मोड्स है, एक तो नॉर्मल और एक अल्ट्रा वाइड। और जैसा कि मैं बता रहा था कि कैमरा सेटअप में वीडियो पर बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है। एक तो जायरोस्कोपिक EIS के साथ वीडियो को ज्यादा स्टेबल बनाया गया है, 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है 30 FPS में, और स्लो मोशन एंड सुपर स्लो मोशन के ऑप्शंस हैं। सोचने वाली बात यह है कि 15,000 to 16,000 rupees के इस मोबाइल में जो कैमरा सेटअप हमें दिया गया है उसमें इतनी सारी फंक्शनैलिटी की जरूरत थी क्या? हाँ, एक जो डेफिनेटली M30 से M30S में वीडियो में अपग्रेड हुआ है वो है जायरोस्कोपिक EIS, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन। इस स्टेबिलाईजेशन से व्लॉगिंग के लिए या जनरल वीडियोग्राफी के लिए ये कैमरा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऑटो मोड में जनरल फोटोज बहुत ही अच्छे आते हैं और इसको उतनी ही दूर तक रहना चाहिए, इसको फुल्ली प्रोफेशनल कैमरा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये तो सिर्फ मेरे ही विचार हैं और सिर्फ कुछ फोटोज कुछ वीडियोस लेने के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर एक प्रोफेशनल के हाथ में ये कैमरा रहे तो जादू हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सैमसंग की एमोलेड स्क्रीन का कोई जवाब नहीं, और इस अपडेटेड एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो गेमिंग में सिर्फ दो चीजें ध्यान रखने की है, एक तो ये स्पीकर आपकी उंगलियों से दब सकता है जिससे साउंड आउटपुट थोड़ा सा मफल्ड हो सकता है, और दूसरा गेम खेलने से हीटिंग बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होती है। चार्जिंग के दौरान भी फोन इतना गर्म नहीं होता है जितना कि 5 मिनट गेम खेलने से हो जाता है। तो एक 16999 के मोबाइल में हमें क्या मिलता है? एक सुपर्ब एमोलेड डिस्प्ले जिसका कोई जोड़ ही नहीं है, 16 megapixel का ये सेल्फी कैमरा जो अच्छा है, और पीछे में ये ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें डेप्थ सेंसर जो कि एवरेज काम करता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि बहुत ही बढ़िया फोटोज लेता है वेल लिट कंडीशंस में, और साथ में एक अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड लेंस के बारे में कुछ खास कहने का नहीं है, लेकिन कैमरा मोड्स इतने सारे और इतने वेरिड हैं कि आपके पैशन या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इसमें कर सकते हैं, और वीडियोग्राफी के लिए जायरोस्कोपिक EIS है। उसके अलावा 6000 mAh की जंबो बैटरी जिसको फुली चार्ज करने के बाद आपको 2 दिन तो कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन चार्ज करने से पहले आपको जरूर सोचना होगा कि कम से कम 3 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट जिससे हम 128 GB की इंटरनल मेमोरी को और बूस्ट अप कर सकते हैं 1 TB तक, और डुअल 4G स्टैंड बाय नैनो सिम सपोर्ट। तो कुछ दिनों में इस फोन के बारे में मेरी क्या इंप्रेशन हुई? क्या ये एक बजट रेंज फोन है और बजट के हिसाब से सही है? बिल्कुल। आपके क्या राय है? क्या आप इस फेस्टिवल सीजन में सैमसंग गैलेक्सी M30S खरीदने का सोच रहे हैं, या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले ही सैमसंग गैलेक्सी M30 खरीदा था? स्मार्टफोन और गैजेट्स के बारे में अपने विचार मुझसे जरूर शेयर करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस के दौरान मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्दी ही आपके सामने वापस आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।